फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ओप्सो, आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के पास अपनी जैसे आपने कोई नई साड़ी खरीदी हुई है, ठीक है, अगर आपके ब्लाउज स्टिच करने के बाद उसमें से अगर कुछ लेस बची है या फिर कोई फैब्रिक बचा हुआ है उसका, ब्लाउज का, तो आप उसमें से अपने लिए मैचिंग पर्स बना सकते हैं, मैचिंग वॉलेट बना सकते हैं, ठीक है, अपने लिए क्लच बना सकते हैं आप मैचिंग। तो आज इसी चीज़ के लिए है आप वीडियो। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को क्लच बनाना सिखाऊंगी, क्लच, हैंड बैग, हैंड पर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को देखिएगा ज़रूर, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को और बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आप अपने आप खुद घर घर पर जो है उसे बना सकें, ठीक है। उनको देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको उससे रिलेटेड मटेरियल दिखा देती हूँ कि आपको किस किस टाइप का मटेरियल की ज़रूरत इसमें होगी पर्स बनाने में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें फॉर्म की ज़रूरत होगी। ये देखिए फॉर्म है, फॉर्म आप कितनी भी थिक और कितनी भी पतली ले सकते हैं, जैसी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वैसी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बनाएंगे उसे एक स्टिफ, एक शेप कैसे देंगे हम उसे, वो हम देंगे या तो देखिए आपके पास एक्सरे शीट हो, ठीक है, एक्सरे शीट हो या तो आपके पास, ठीक, या फिर आपके पास इस टाइप से कोई भी हार्ड शीट हो, थोड़ी बस इतनी हार्ड कि इजीली आपकी जो है उस पर मशीन चल जाए, ठीक है। तो आप जिस चीज़ से फोल्डर होते हैं आप ये चीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास था तो मैंने सोचा कि एक्सरे से एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये भी पड़ा हो तो आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होगी इसकी आउटर शेप के लिए जिससे आप बनाएंगे, और मेन है आपका फैब्रिक, ठीक है। तो मैं देखिए गोल्डन फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इस गोल्डन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास आपकी साड़ी से मैचिंग जो भी हो, पर्स आपको बनाना हो अपनी किसी भी साड़ी के मैचिंग, तो आप उससे रिलेटेड भी कपड़ा ले सकते हैं अपने पर्स के तरीके से। आपके पास कुछ रखा हुआ हो या फिर ऐसे प्लेन बिल्कुल आपके पास कुछ रखा हुआ हो, तो आप अपने पर्स की जो है आप उसे डोरी भी बना सकते हैं, ठीक है, हैंग करने के लिए आप इस तरीके से वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बाज़ार से भी लेके आ सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास रखी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो क्या, क्लच तो हर किसी के पास होगा, क्लच में ये ज़रूर होती है ये डोरी ना, ये वाली, ठीक है। तो और देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग देने के लिए मैं एक, मेरे पास ही छोटी सी एक लटकन भी रखी हुई थी, तो देखिए मैं इस लटकन को यूज़ कर लूँगी, ठीक है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप उस चीज़ के बटन लगा लीजिए। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें देखिए इस टाइप से दो हुक चाहिए होंगे, 10 या 15 रुपये के आपको ईजिली मिल जाएंगे, जो लेस की शॉप होती है ना, ठीक है। ये देखिए, ये बटन होते हैं जो हमारे पर्स में लगे होते हैं, तो ये हमें इस टाइप से ये बटन चाहिए होंगे, ठीक है। दोनों बटन के एक एक पीछे इस तरीके से ये आता है लगने वाला, ठीक है, इनसे हम इनको फिक्स कर सकते हैं। और एक हमें चेन चाहिए होगी, ठीक है, नॉर्मल चेन, ठीक है, कंसील जिप नहीं चाहिए होगी हमें, हमें नॉर्मल वाली चेन ही चाहिए होगी, ठीक है, जिसका ये नॉर्मल वाला कुंदा होता है यही चाहिए हमें। और ये आप कोशिश करिएगा, देखिए मेरे पास ये ब्लैक कलर की थी, और आप कोशिश करिएगा आप जिस कलर का बना रहे हैं उसी कलर की आपकी चेन हो, बाकी चाहे तो देखिए चेन तो अंदर रहती है तो वो दिखनी तो है नहीं, तो आप चाहे तो उसे कोई भी आप चेन आपके पास रखी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ स्टार्ट करने से पहले वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल कुछ दिखा देती हूँ कि मैं इस टाइप से आपको पर्स बताने वाली हूँ, ठीक है। आप इसमें डिज़ाइन वेरिएशन बहुत सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही आप बनाएं। आप चाहे तो देखिए, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स का भी आइडिया दे देती हूँ कि आप इस टाइप के फैब्रिक से बना सकते हैं आप अपने लिए। देखिए, ये तो देखिए मैं ले ही रही हूँ बनारसी, ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे अलग दिया हुआ है, ठीक है, ये तो मैं ब्रोकेट या बनारसी ले ही रही हूँ बनाने के लिए, ठीक है। और ये देखिए, ये वाला जो वॉलेट है, देखिए ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, ये नेट है, ठीक है, नेट के नीचे मैंने एक लेयर ली हुई है गोल्डन कलर की, ठीक है। तो देखिए, आपको देखिए तब समझ में आएगा कैसे बना है जब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, वेराइटीज़ बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे हम देखिए पर्स में ये वाली शेप भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे राउंड भी दे सकते हैं, और सिंपल तो हम देखिए स्क्वायर तो हम रख ही सकते हैं, ठीक है, हल्की सी हम राउंड शेप दे सकते हैं जिसको, ठीक है। आपके पास कोई इस तरीके से बूटी पड़ी हुई हो, पैच पड़ा हुआ, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर लगा हुआ है ना हमारा, ये
ठीक है, ये देखिए एक हुक हमारे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, अंदर देखिए चेन लगी हुई है, ठीक है। तो देखिए, और आप इस तरीके से देखिए पूरा एक हमें एक पूरा पैटर्न रेडी करना होता है। हमारे पास कोई लेसेस पड़ी हुई हैं, उस लेसेस से हम एक पैच एक 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 पीस हम अच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो बस उसी पीस को हमें पर्स के लिए रेडी करना है, ठीक है। तो आप देखिए ये शेप दे सकते हैं, ये पैच लगा सकते हैं, लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी देखिए नेट का ही बना हुआ है, आप इसमें भी देखिए लाइनिंग ऐसे लेसेस दे सकते हैं आप इसमें भी देखिए, ठीक है। ये ब्लाउज की जो बची हुई होती है ना पट्टी, देखिए मैंने वो यूज़ कर रखी है, ठीक है। अगेन देखिए ये नेट का ही है, नेट के नीचे देखिए लेयर लगी हुई है और एक फॉर्म की लेयर है, ठीक है। ये नेट का ही बना हुआ है ये भी अगेन। अब मैं आपको देखिए वेलवेट का भी शो कर देती हूँ, देखिए आप इस तरीके भी शेप दे सकते हैं, इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये वेलवेट का है, ठीक है। ये लेसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेलवेट में देखिए अगेन मैं आपको ये वाली और डिज़ाइन दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए लेस कुछ अलग टाइप की लेस थी ये वाली, ये सब साड़ियों के मैचिंग के ही हैं, ठीक है। आप इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप देखिए फैब्रिक का बो लगा कर आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये भी वेलवेट का है अगेन, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से लटकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए आप इसी तरीके से कोई भी डिज़ाइन आपके पास कोई भी पैच पड़ा हो वो यूज़ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। बाकी आप स्टोन लगा सकते हैं, ठीक है। ये शैंटून है ये वाला फैब्रिक, ठीक है। तो मैं जो आपको ये पर्स शो कर रही हूँ ना, तो ये सारी मेरी साड़ियों के मैचिंग हैं, ठीक है। अगेन देखिए इस तरीके से आप लेस लगा कर यहाँ पर नेट फैब्रिक यूज़ किया है मैंने, और देखिए पीछे ब्लाउज का कपड़ा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगेन ये देखिए, इसमें भी ये देखिए लेस लगी हुई हैं काफ़ी सारी, ठीक है। ये पीछे इस तरीके से हाफ बीच में इसमें नेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगेन देखिए, अगर आपके पास ऐसे लंबी सी कोई बूटी है तो आप देखिए इसको इस तरीके से ले सकते हैं, देखिए दो कलर में भी आप बना सकते हैं। ये वेलवेट है ये वाला, ठीक है, और ये बाकी ये शिमर वाला जो फैब्रिक होता है, देखिए आप इस तरीके से, आप देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दो कलर का भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आप दो कलर के में भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप फ्रिल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये कि मैंने इसमें फ्रिल दिया हुआ है, अगेन ये शिमर वाला ही कपड़ा है, ठीक है, ये देखिए। तो आप, मेरा कहने का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पर्टिकुलरली एक डिज़ाइन आपको बताई जाए आप वही डिज़ाइन का बना पाएंगे। तो आप इस तरीके से कुछ भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं जो आपका ये ऊपर जो एक लेयर आएगी, ठीक है ना। तो हमारी देखिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इसमें किस साइज़ का लेंगे, ठीक है। आपके पास जिस भी साइज़ का पीस हो आप उस साइज़ का बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसका कोई साइज ही होगा। तो ठीक है, मैं इसकी एक तरफ की शीट ले लेती हूँ, मैं हमें सिर्फ एक ही साइड की शीट चाहिए। तो देखिए मैं कट कर लेती हूँ इसको, आप एक्सरे शीट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सरे शीट एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं है, इसीलिए मैं आपको इससे बनाना बता देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हम इसकी विड्थ और लेंथ नाप लेते हैं कितनी है। ये देखिए इसकी विड्थ है हमारी 8.5, इसकी लेंथ है हमारी शीट की 12 इंच, ठीक है। अब देखिए हमें इसे किस डिवीज़न में करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। हमने ये पोर्शन ज़्यादा लेना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और हमने इसको ओवरलैप करने के लिए थोड़ा छोटा पीस लेना है, ठीक है। देखिए हमने एक रख के देख लेना है एक आइडिया कि हमारा ये पर्स जो है हमें इतना बनाना है, ठीक है। तो हमारा इतना तो आना चाहिए ना ऊपर वाला पोर्शन, तो बस हम ये हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हम इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट पर्स हमारा इतना बनने वाला है, और जो हमारा ये ऊपर आएगा जो पीस हमारा, ठीक है, वो हमारा ये वाला पोर्शन होगा। तो हम मेज़र कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है, ठीक है।
ये देखिए ये हमारा आ रहा है 4 इंच, ठीक है, 4 साढ़े 4 ले लीजिए आप, और ये भी हमारा 4.5, ठीक है, 4.5 और 4.5 9 इंच, बाकी हमारा जो बचा वो हमारा ओवरलैप हो गया, क्योंकि हमारा देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है, बस ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पर्स रेडी हो गया, ठीक है, हमारा बेस रेडी हो गया। अब हम इसी के नाप का हम शीट भी काट लेते हैं, ठीक है, फॉर्म पर कट कर लेते हैं, ठीक है, हम फॉर्म रखेंगे। ये देखिए आप फॉर्म पर रखिए अपना, ये फॉर्म हमें एग्जैक्ट साइज की चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैं निशान लगा देती हूँ। फॉर्म से क्या होता है ना, हमारा पर्स थोड़ा सॉफ्ट बनता है, हमारा पर्पस फॉर्म को यूज़ करने का ये है कि हमारा पर्स सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पीस ले लिया है फॉर्म का कट करके, ठीक है, ये हमारा देखिए फॉर्म हो गया। देखिए मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, पहले जितना ये एग्जैक्ट पीस है, ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें सीम अलाउंस लेकर इसको, आप सीम अलाउंस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फॉर्म के ऊपर कोई चीज़ स्टिच करते हैं ना, तो वो कपड़ा थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो जाता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा यानी कि 1/2 इंच या 1/4 इंच सीम अलाउंस लेकर आप कट करेंगे इस पीस को, ठीक है। तो मतलब ये देखिए मैं देखिए इस पर ड्रॉ कर देती हूँ ये शीट, बहुत इजी है, आप बहुत इजी बहुत आसान तरीके से अपने ड्रेस के मैचिंग आप वॉलेट बना सकते हैं, आपको बाज़ार से भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इन्हें वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना कि वॉलेट ख़रीद तो लेते हैं इतने महंगे महंगे, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं तो फिर हम उन्हें वॉश नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अब इसका हम 1/2 इंच, ये देखिए हम इसमें हाफ या चलो 1/1 इंच ही कर लीजिए, ठीक है, हम इसमें देखिए 1/4 इंच लेकर हम इस पर सीम अलाउंस लेके इसको कट कर लेते हैं, हमें 2 पीस मिल जाएंगे। हम पहले शीट पे इसको देखिए, पहले हम फैब्रिक नहीं लेंगे, सबसे पहले हम शीट पर एक लाइन ऐसे हम अपना एक मार्क फिक्स रखने के लिए ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो मार्क किया था ना, एक सिलाई हम यहाँ चला लेंगे, एक सिलाई हम यहाँ चलाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा ये फिक्स हो जाएगा, हमारा फॉर्म और हमारी शीट जो है इधर से उधर नहीं जाएगी। आप चाहें तो एक सिलाई आप बीच में भी दे सकते हैं, ठीक है, तो हम पहले इसको फिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए मैंने इस तरीके से देखिए 2 लाइन फिक्स कर दी, ठीक है, मैंने इसे अटैच कर दिया है, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं ये 2 लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया है मैंने। अब देखिए हम इसको रखेंगे इस तरीके से इस लेयर को, ठीक है, ये देखिए हमने अपने ये फैब्रिक रखा सबसे पहले, ठीक है, अब देखिए हमने इस शीट को इस तरीके से रखना है, ठीक है, और अब हमने इसके एजिस को कपड़े को इस तरीके से रखते हुए हमने टॉप स्टिच चला लेनी है, ठीक है। देखो मैं आपको टॉप स्टिच चला के दिखाती हूँ इसमें कि किस तरीके से ये आएगा इसका लुक, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें ये देखिए मैंने इस तरीके से करके लिया है, देखिए तो इस तरीके से करना है हमें, ठीक है, ठीक है, ये देखिए हमने इधर साइड से इसको फिनिश कर लिया है, तो ये वाला पोर्शन हमारा अंदर साइड रहेगा, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, चेन लगानी है, ठीक है, इस तरीके से है देखिए हमारा ये पर्स, ठीक है, ये देखिए 1/2 ये आ रहा है, और ये देखिए इसके ऊपर टर्न हो गया आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से टर्न रख के हमने मिड का निशान लगा लेना है, ठीक है, जहाँ पर हमें ये टिच बटन लगाना है, ठीक है। देखिए मैं इसका मिड का निशान लगा लेती हूँ कि यहाँ देखिए ये मेरा मिड है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, हम देखिए इधर से इधर भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखिए जो इसके 2 पॉइंट है ना, हमने उनका मार्क कर लेना है मिड निशान पे ना,
ठीक है, इस तरीके से रख के देखिए, इधर और इधर हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब हम किसी भी चीज से हम हल्का सा पहले इसको यहाँ पर होल कर देते हैं। ठीक है, कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर भी कर देते हैं। अब हमने सिंपल इन दो होलों पे थोड़ा सा प्रेस करना है इस बटन को और ये हमारे अंदर चले जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा चला गया। अब देखिए हम इसको, ये देखिए हमारे आ गए। अब हम इसे लगाएंगे इस तरीके से करके और एक को पॉइंट को हम इधर टर्न कर देंगे और एक को हम इधर टर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, अब हमें इतने पे ही हमें अभी और क्या करना है, हमें जिप लगानी है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए ये जो चेन का बंद वाला पोर्शन है ना, ये हमें नहीं लेना है पहले, हमें ये वाला पोर्शन लेना है। ठीक है ना, ये देखिए एक सिरे को हमने यहाँ तक स्टिच लगाना है। ठीक है, और देखिए ऐसे है ना सीधा, और दूसरे सिरे को हमने ऐसे स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखिए इस चेन को हमने इस तरीके से इसे स्टिच कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें एक चेन देखिए हमने इधर लगा दी, एक चेन हमने देखिए इधर लगा दी, और जब देखिए हम जब इस चेन को बंद करेंगे तो हमारे पर्स की क्या शेप आएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पर्स बंद हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब सिंपल हमने सिर्फ अब हमारा लास्ट जो काम रह गया है वो रह गया है हमारा इस ऊपर वाले फैब्रिक को अटैच करना। ठीक है, और जो हमारा अंदर इसको देखिए, चेन को आप अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो आप अपनी चेन को इधर अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से ओपन हो गया। अब हम इस वाली शीट को कैसे रखेंगे, देखिए सिंपल हमने टर्न करना है। ठीक है, हमने इसके ऊपर रखना है और हमने टॉप स्टिच चलाते जाना है। ठीक है, हमने किनारी किनारी पे फिनिशिंग से टॉप स्टिच चलाते जाना है। ठीक है, सेम इसको रखकर, ठीक है, इधर भी हम टर्न करेंगे और सेम इसके ऊपर हम टॉप स्टिच चलाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी, ये पूरा हमारा फिक्स हो गया पीस। ठीक है, चेन को आपको थोड़ा सा इस तरीके से रख के तब इधर इधर साइड पे तब स्टिच चलानी है आपको। ठीक है, देखिए इसको हम बंद करते हैं और हम इसको अब निशान लगाते हैं इसका भी, कि इसका निशान किधर आएगा। अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, आप अच्छे से उसको बिठा लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब मैं इसको मैं इसका मार्क लगा देती हूँ कि हमारा कहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, तो देखिए मेरा मार्क ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करूँगी, सेम जैसे हमने वो वाला पीस लगाया था ना, तो सेम हमने मिट के इधर उधर हमने हल्का हल्का छेद कर देना है। आप देखिए इसको खोल लीजिए जिप को, ठीक है, ताकि आपको आसान रहे। ठीक है, एक पॉइंट हमने इस मिट के इधर कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट हमने मिट के इधर कर दिया। अब हमने इसको इंसर्ट कर देना है, सिंपल हमारा ये वाला भी हुक लग गया। ठीक है, हमने ये देखिए हमारा ये अच्छे से ये आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, हमारा देखिए वॉलेट रेडी हो गया। ये देखिए हमारा टिच बटन भी लग गया है। ठीक है, ये हमारी जिप हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है, जिप को हमें बंद करना है। ठीक है, अब सिर्फ हमने इसको स्टिच चलानी है साइड में। ठीक है, इधर हमने यहाँ पर साइड में दोनों तरफ बंद करना है इसको। ठीक है, जहाँ तक हमारी जिप लगी है हम सिर्फ वहीं तक बंद करेंगे इसको। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टिच चला देनी है, सिंपल हमें इधर साइड भी स्टिच चला देनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ से डोरी भी ये अटैच कर दी है। ठीक है,
देखिए, ठीक है, ये हमारी जिप हो गई, ये हमारा अंदर देखिए पर्स में स्पेस हो गया। ठीक है, तो आपका जितना ज़्यादा साइज रहेगा उसी हिसाब से आपका स्पेस भी रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये देखिए लटकन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारी ये डोरी हो गई दोनों तरफ की। ठीक है, तो ये हम देखिए हैंगिंग वाला भी ये बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो भी मटेरियल आपके पास बचा हुआ हो आप उससे इस तरीके से अपने लिए क्लच, पर्स, हैंडबैग आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।